हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपर्णाज किचन। मैं हूँ अपर्णा। आज मैं लाई हूँ टैकोस की रेसिपी। तो ये देसी टैकोस हैं, तो इसे आज हम बनाएंगे। और ये घर के बचे हुए सामान से बनता है। और देखिए, देखने में कितने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। और देखते हैं कैसे बनते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। इससे पहले फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है। इस बॉल में मैंने बॉयल्ड आलू लिए हैं, तो इसे मैं इससे ग्रेट करूंगी। फ्रेंड्स, आप इन आलूओं को मैशा से मैश भी कर सकते हैं, तो या फिर ग्रेट कर लें या फिर मैश कर लें। और देखिए, मैंने आलूओं को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। तो अब मैं इसमें मिक्स करूंगी कुछ वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में मैंने ये लिया है पत्ता गोभी फाइन चॉप, और ये ग्रीन चिली है, ये टमाटर है, और इसके मैंने सीड्स निकाल दिए हैं, और इसमें बीन्स है और कैप्सिकम, तो दोनों को मैंने एक साथ चॉप किया है। तो ये सब इसमें मिक्स कर देते हैं। अब देखिए, बीन्स कैप्सिकम मैं थोड़ा मिक्स करूँगी, सारा नहीं मिक्स करूँगी। और यहाँ पे ग्रीन चिल्ली भी मैं आधी मिक्स कर रही हूँ, और ये पत्ता गोभी भी मैं थोड़ी मिक्स करूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा है, इतना नहीं मिक्स करूँगी मैं। तो जितना मुझे ज़रूरत है उतना मैं मिक्स करूँगी। तो देखिए, इतना ही बच गया है, और ग्रीन चिली भी मैंने थोड़ी सी बचा दी है, तो इसे रख देते हैं साइड में। और इसमें अब स्पाइसेस मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे मैंने नमक मिक्स किया है। अब इसमें मैं मिक्स करूँगी चिली पाउडर, तो ये चौथाई चम्मच लिया है मैंने। और अब मैं यहाँ पे मिक्स करूँगी धनिया पाउडर चौथाई चम्मच, और अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला चौथाई चम्मच, और अब इसमें जाएगा चाट मसाला चौथाई चम्मच। तो आप यहाँ पे चाट मसाले की जगह अमचूर पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। अब इसमें मैं मिक्स करूँगी कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को देखिए, मैंने हाथों से इस तरह से क्रश किया है, और अब इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसमें मिक्स करूँगी आधे नींबू का जूस। तो देखिए, इस तरह इसका जूस ऐड कर देते हैं। तो इससे ही स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा चटपटी बनेगी, और टैकोस खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी लगेंगे, स्पाइसी, तो सारे फ्लेवर आएंगे अच्छे से। तो अब मैं इसमें ये जीरा मिक्स कर दूंगी। आप यहाँ पे जीरा पाउडर भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये देसी टैकोस बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं खाने में। आप इन्हें एक बार बना के देखिए, तो आप इन्हें बार बार बनाएंगे, और बच्चों के तो ये फेवरेट हैं। तो ये देसी टैकोस बहुत जल्दी बन जाते हैं झट से। तो इस तरह से बच्चे आलूओं के साथ वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। और मेन इंग्रेडिएंट्स आपको मैं बताऊंगी अभी। तो चलिए, इसे स्टफिंग बना लेती हूँ जल्दी से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखिए, हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है, तो इसे रख देते हैं। ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स रोटी, तो ये बची हुई रोटी है, तो आज इसी से टैकोस बनाऊँगी मैं। और ये इतने ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स, तो इनके लिए आप बची रोटी या फिर अलग से रोटी बना सकते हैं टैकोस बनाने के लिए। और देखिए, हमारी स्टफिंग है टैकोस की, तो इस स्टफिंग से टिक्कियाँ बना लेंगे इस तरह से। तो टिक्कियाँ ना ज़्यादा छोटी बनाइए ना ज़्यादा बड़ी, तो इस तरह से बना सकते हैं, तो गोल या फिर ट्राइंगल, तो किसी शेप की आप बना सकते हैं। तो मैं ट्राइंगल बनाऊँगी, तो देखिए इस तरह से ट्राइंगल टिक्की बना लेते हैं। और देखिए, हमारी एक टिक्की रेडी हो गई है, तो इसे रख देते हैं, और इसी तरह मैं सारी बना लूँगी। और देखिए, ये मैंने सारी बना ली हैं। अब देखिए, एक रोटी मैंने ले ली है, तो उसको इस तरह से रखेंगे, और इस पर मैं ये धनिया पुदीना की ग्रीन चटनी इस पर स्प्रेड करूँगी। तो आप चाहें तो आप यहाँ पर टमाटो केचप या फिर टमाटो सॉस कुछ भी इस तरह से इस पर स्प्रेड कर सकते हैं। तो मैं इसको अच्छे से लगा दूँगी इस पर, और अब मैं इसको फोल्ड करूंगी। तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और अब मैं इसकी एक साइड फिर से ये चटनी लगाऊंगी। तो आप चाहे तो आप अंदर टमाटो केचप लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप ग्रीन चटनी लगा सकते हैं, तो या फिर आप दोनों जगह ही ग्रीन चटनी लगा सकते हैं। तो अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर दूँगी एक बार और, तो इससे ये अच्छे से चिपक जाएगा।
तो अब मैं इसमें ये जो टिक्की बनाई थी मैंने, तो ये मैं इसके अंदर इस तरह से रख दूंगी। और एक टिक्की को मैं दूसरी साइड भी रख दूंगी इसमें। तो ये बहुत ही ज़्यादा चटपटा यम्मी स्पाइसी टाकोज रेडी हो जाएगा। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप आधी रोटी से भी बना सकते हैं, और उसके अंदर आप एक टिक्की रख दीजिए, स्पाइसेस कम रखिए। तो देखिए ये रेडी हो गया है। तो अब इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे इस तरह से हाथों से, फिंगर से, ताकि ये सेट हो जाए। तो इसे दबा देंगे इस तरह से, और देखिए ये बन गया है। तो अब मैं इसमें पिज्ज़ा पास्ता सॉस, तो इस तरह से इसे लगा देंगे यहाँ पे। तो आप पिज्ज़ा पास्ता सॉस लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे टमाटो केचप भी लगा सकते हैं, या आप इमली की खट्टी मीठी चटनी भी इस तरह से लगा सकते हैं, बहुत थोड़ी सी। तो देखिए ये तैयार हो गया, अब इसे रखते हैं। और इसी तरह मैं दूसरा भी बना लूँगी। तो देखिए दोनों टाकोस रेडी हो गए हैं। तो अब मैं इन्हें सेकूंगी। तो सेकने के लिए आप इन्हें तवे पे सेक सकते हैं, तो मैं यहाँ पे घी से सेकूंगी इन्हें। तो आप तेल से, या फिर बटर से, या फिर घी से, किसी से भी इन्हें सेक सकते हैं। तो इस तरह इसे बहुत ही लो हीट पे सेकना है, और इन्हें मैं चारों साइड से सेकूंगी बहुत अच्छे तरह से, ताकि ये क्रिस्पी हो सकें। तो देखिए इन्हें चारों साइड से अच्छे से सेक लेते हैं, और लो हीट पे ही सेकना इसे, ताकि ये क्रिस्पी हो सकें। हाई फ्लेम पे ये क्रिस्पी बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो इन्हें अच्छे से सेक लेते हैं, और देखिए अब मैंने इन्हें पलट दिया है, और एक साइड ये हल्के से सिक चुके हैं। देखिए हल्के से ये क्रिस्पी हो गई हैं, देखिए आवाज़। अब देखिए इन्हें इस तरह से खड़ा करके सेकेंगे। तो इन्हें चारों साइड से ही सेकना है, तभी ये अच्छे से क्रिस्पी हो सकेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, घर के बचे हुए सामान से कितना टेस्टी यम्मी नाश्ता रेडी हुआ है। और इस तरह से आपके घर में जो भी सब्जियां बच जाती हैं थोड़ी थोड़ी, तो उन्हें भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो जो भी सब्जियाँ आपको पसंद है वो आप इसमें यूज़ करिए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने इन्हें सेक लिया है बहुत अच्छे तरीके से, चारों साइड से बहुत अच्छे से सिक चुके हैं। देखिए गोल्डन हो गए हैं, और दिखने में कितने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो अब मैं इन्हें हटा लूँगी गैस से, और अब करते हैं प्लेटिंग। प्लेटिंग से पहले मैं इस पर सॉस लगाऊँगी। अब देखिए यहाँ पे मैं ये सॉस लगा दूँगी, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। तो यहाँ पे आप ग्रीन चटनी भी इस पे लगा सकते हैं, तो जो भी आपके पास हो वो आप यहाँ पे लगा दें। तो अब मैं यहाँ पे ये कॉर्नफ्लेक्स लगा रही हूँ। तो कॉर्नफ्लेक्स को मैंने मिक्सी से पीस लिया है, तो यहाँ पे आप भुजिया भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, तो अच्छे से वो चिपक जाएगी सॉस में, तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आपके पास जो भी है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो अब मैं इसी तरह दूसरा भी डेकोरेट कर लूँगी, तो इससे दिखने में अच्छा लगता है येलो कलर। तो आप यहाँ पे भुजिया या फिर एक कॉर्नफ्लेक्स कुछ भी लगा सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे देसी टाकोस रेडी हो गए हैं। तो देखिए दिखने में कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और देखिए मिनटों में बन गए हैं, तो बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और इस रेसिपी को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाद बेल को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और आप मेरे वीडियो देख सकें। तो आप भी बनाइए इस रेसिपी को, और इन्जॉय करिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।